दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। क्या हो अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो आप आगे वीडियो मेरा देखने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके बॉडी पे ये 5 साइन हैं या उनमें से कोई भी एक साइन है तो आप जो है बहुत ही स्पेशल हैं, जीनियस हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हैं। ऐसा ही एक वीडियो जो है यूट्यूब पे प्रेजेंट है जिसने 1 मिलियन नहीं, 2 नहीं, 5, 10, 15, 20, 25 मिलियन नहीं बल्कि आज की तारीख में 36 मिलियन व्यूज जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। तो क्या है उस वीडियो के अंदर ऐसा और क्या उसमें कोई सच्चाई भी है, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो जो मेरा एक जो पिछला वीडियो था कि साइंटिफिक रिव्यू द नीड ऑफ एन आर, वो जरूर जाके देखें। इससे आपको मेरी इंटेंशन समझ में आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह से वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होने वाला है इन द लॉन्ग रन। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो ये वीडियो जो है तकरीबन 9 मिनट का है और इसके अंदर करीबन 1.5-2 मिनट तक जो है सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि आने वाले जो आपको 6-7 मिनट है वो कितने ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए और आपको जानने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। और ये जो वीडियो है वो मैं कितनी मेहनत से, कितने रिसर्च से लेके आया हूँ कुछ इस तरह से। आजकल की दुनिया में कौन ये सब सीक्रेट्स और रिसर्च को बताता है, पर आपका दोस्त फैक्टेक अभी जिंदा है। तो इन सब के बारे में बात की गई है। तो मेरा सिंपल सजेशन ये है कि भाई अगर आपके वीडियो में दम होगा तो आपको इतना मोनोलॉग देने की, इतना ज़्यादा उसे प्रीफेस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा तो नेचुरली जो है वो लोग वैसे भी देखेंगे ही देखेंगे। तो स्ट्रेट अवे आपको सीधा पॉइंट पे बात करनी चाहिए, ना कि 1.5-2 मिनट तक सिर्फ उलझाते हुए रहना चाहिए। दिस गाय हैज क्लेम्ड कि भाई एक भी अगर ट्रेट है जो आपके बॉडी पे 5 साइन बताए जाने वाले उनमें से एक भी ट्रेट आपको मिलता है तो आप जो है सच में बहुत जो है एक तरह से खास इंसान है कुछ इस तरह से। जो साइंस यानी ट्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर उनमें से एक भी आप में है तो आप दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों में से एक हो। और साथ के साथ ये भी दावा किया है कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आ रहा है, बहुत कुछ रिसर्च के बाद में आ रहा है। ये ट्रेट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट्स की गई है और उसके बाद ये फैक्ट्स पता चली है। तो एज अ पर्सन विद साइंटिफिक माइंड आई एम वेरी मच क्यूरियस क्योंकि वहाँ पे बात बोली गई है कि आपको साइंटिफिक डेटा के हिसाब से कुछ बताया जाने वाला है। तो सबसे पहले ट्रेट है ये नंबर 5, द लेटर एक्स ऑन योर पाम। तो उसके अंदर सामने वाले ने एग्जाम्पलीफाई किया है कि जो एक्स वाला जो ट्रेट था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट में था और भी बहुत सारे लोगों में था तो इस वजह से वो काफी स्पेशल थे। कि अलेक्जेंडर द ग्रेट हाथ की रेखाओं की पढ़ाई को मानते थे, वो अपने हाथ के लकीरों को इतना मानते थे। तो मेरे को जो है एक वो कहावत याद आ गई, मतलब एक शायरी याद आ गई कि मतलब कभी यकीन न करना इन हाथों की लकीरों पे क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके जो है हाथ नहीं होते हैं, राइट। और आपको एक और मैं एग्जांपल भी जानता हूँ, एक लाइव लीजेंड है जिसके हाथ और पांव कुछ भी नहीं है लेकिन ही इज प्रीटी मच स्पेशल, उस बंदे की बहुत फैन फॉलोइंग है। ही कैन स्विम एंड डू मेनी थिंग्स, आप यूट्यूब पे जाके जरूर देख सकते हैं उसका वीडियो। सामने वाला ये भी क्लेम कर रहा है कि जैसे जो इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश है, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ पे ट्रेड ज्यादा पाया जाता है। ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश के लोगों में ज्यादा पाया जाता है। और जो मुझे समझ में आता है उसका रीजन ये है कि मतलब सामने वाले को भी पता है कि उसकी जो व्यूअरशिप है, जो क्योंकि सामने वाला हिंदी में बोल रहा है तो हिंदी में बोलने की वजह से जो है यही के लोग इन्हें देखने वाले हैं तो उनके लिए ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट हो। और अब बात करते हैं उस रेफरेंस की जिसको सपोर्ट करने के लिए सामने वाले ने ये रेफरेंस दिया है। एसटीआई यूनिवर्सिटी मॉस्को में एक रिसर्च की गई थी उन लोगों के साथ जिन लोगों के हाथ में ये एक्स था, उसमें ये पता चला था कि जिसके हाथों में ये एक्स होता है उसकी इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। तो जैसे ही मैंने ये रेफरेंस देखा तो मैंने सोचा कि भाई सबसे पहले तो जो है इस यूनिवर्सिटी का पता लगाया जाए। मैंने जो है गूगल किया एसटीआई यूनिवर्सिटी मॉस्को, वहाँ पे मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे लगा अच्छा हो सकता है कहीं और गूगल मैप पे तो मिल ही जाना चाहिए। गूगल मैप पे सर्च किया, वहाँ पे मुझे कोई एसटीआई यूनिवर्सिटी मॉस्को कहीं दिखाई नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो हो सकता है यूनिवर्सिटी की मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है, एसटीआई का क्या फुल फॉर्म है। तो जो पेपर का टाइटल दे रखा है क्योंकि मैंने और जो है वहाँ पे पढ़े, जो क्योंकि बहुत सारे इंटरनेट पे और भी जगह पे यही चल रहा है कि एसटीआई यूनिवर्सिटी मॉस्को ने किया है, तो वहाँ से जो है पेपर का मैंने टाइटल उठाया और फिर उस टाइटल को गूगल पे डाला कि प्रोबेबली अब मुझे पता चल जाए और वहाँ से मैं समझ पाऊँ कि कितने लोगों पे स्टडी की है या कैसे ये कंक्लूजन पे पहुँचे। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो जो रेफरेंस है वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, उसके जर्नल में वो कहीं भी पब्लिश होता है। जैसे कोई भी जो पेपर होता है, आर्टिकल होता है, कोई न्यूज़ होती है तो एक तरह से जर्नल में पब्लिश होती है, तो वो जर्नल मुझे कहीं दिखाई नहीं कि वो कहाँ पे जो है वो ओरिजिनल आर्टिकल है जो बंदे ने लिखा है या सामने वाले ने, जिसने भी लिखा है, जिसका रेफरेंस दिया जा रहा है।
तो एक तरह से रेफरेंस ही कूल है उसके अंदर, और आप ऐसे ही कोट कर रहे हो कि भाई एसटीआई यूनिवर्सिटी मॉस्को के अंदर ये रिसर्च हुई और फलाना डिंका नाम ने कंक्लूजन किया है। रेफरेंस ही अगर मिसलीडिंग है तो आप आगे क्या ही बात करोगे, और उस जो मतलब आप जो कंक्लूड कर रहे हो उसकी क्या ही फाउंडेशन है, कितनी ही उसकी क्रेडिबिलिटी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे, नंबर 4, रिस्ट बैंड ऑन रिस्ट। बहुत सारे स्टडीज में ये पता चला है। अब ये बहुत सारी स्टडीज क्या होता है भाई, स्टडीज अगर हुई है तो एक आध लिंक तो देते हैं, रेफरेंस तो देते हैं कि कहाँ से पता चला है। और ऐसे तो मतलब मैं कुछ भी कह दूं कि भाई मेरे को पता चला है कि मंगल के अंदर जो है भगवान रहते हैं, वो पाए जाते हैं, तो आप नेचुरली पूछोगे कि भाई तुम्हें कैसे पता, तुम मंगल में गए हो या कैसे तुम्हें पता है जिस वजह से तुम ऐसी बात बोल रहे हो। तो नेचुरली हर चीज का रेफरेंस चाहिए होता है, जैसे आप मुझसे रेफरेंस मांगोगे वैसे ही मैं आपसे रेफरेंस मांग रहा हूँ कि आप अगर कह रहे हो कि इस तरह का जो है ट्रेट है तो इसका रेफरेंस क्या है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नंबर 3, गोल्डन ब्लड। क्या आपके ब्लड का कलर गोल्डन है? क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या आपके खून का कलर मतलब गोल्डन है? मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है, और इसका तो मतलब मीम बन जाने चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि गोल्डन ब्लड किसी का होता ही नहीं है। और जो सामने वाले ने जो इंटरप्रेट किया है, मतलब गोल्डन ब्लड होता है लेकिन कलर जो है वो गोल्डन नहीं होता है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर जो RH फैक्टर होता है, जैसे आपके ब्लड ग्रुप के अंदर जैसे A फैक्टर होगा, B होगा या AB होगा या O इस तरह से होगा, तो इसी तरह से RH फैक्टर होता है। तो वो जब RH फैक्टर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं कि भाई जो है ये गोल्डन ब्लड है साइंटिफिकली, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है। ये आज तक I think 43-44 लोगों में पाया गया है, इस वजह से जो है इसको बोला जाता है रेयर होने की वजह से गोल्डन ब्लड, राइट। इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। आप गोल्डन ब्लड के बारे में नेट पे सर्च कर सकते हो, ये एक्सट्रीमली रेयर है, और वीडियो बनाने वाले ने खुद ने इसको गूगल पे सर्च करके बताया। और वहाँ पे जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे पहली लाइन ये लिख रखी है कि गोल्डन ब्लड जो है वो डेंजरस होता है। और डेंजरस क्यों होता है उसके अपने रीजन है, उसकी साइंस में मैं नहीं जाना चाहता, आप खुद जाके देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो डेंजरस होता है। और अब आप खुद सोच के देखिए, एकदम कॉमन सेंस सी चीज़ है कि वो बहुत रेयर होता है, पहली बात तो ठीक है, यहाँ तक बात सही है कि भाई 40-45 लोगों में आज तक पाया गया है, लेकिन जो रेयर है और उसी के साथ में सामने वाले को अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है तो वो उसके लिए उसे स्पेशल कैसे बनाती है, वो तो उसके लिए एक तरह से डेंजरस हो गया। तो वो अगर उसके पास RH नल वाला ट्रेट है तो उसके लिए तो लाइफ और डेथ का सवाल हो जाएगा अगर कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आ गई तो कैसे जो है वो स्पेशल हुआ, मतलब कि जिसमें ये होता है उसके अंदर अलौकिक शक्तियाँ होती है, मतलब सुपर नेचुरल पावर्स। और अलौकिक शक्तियाँ मतलब अभी जो है मैं क्या बताऊँ आपको, दो जो है अभी आप पबमेड पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, इंडिया के अंदर दो लोगों को देखा गया है जो RH नेगेटिव हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन लोगों से जाकर बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए, मतलब सुपर नेचुरल पावर है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे, नंबर 2, फुट शेप। अब इसके अंदर सामने वाले ने जो है मतलब कुछ 4-5 टाइप के फुट होते हैं, जो कि ठीक है वो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको एक्सप्लेन किया है। और फिर क्या कहा गया है, अगर आपकी फीट इन दोनों टाइप्स में से एक है तब आपको बस थोड़ी सी मेहनत से ही सफलता मिल सकती है, मतलब थोड़ी सी मेहनत से आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है, मतलब ये आप समझ रहे हो, मतलब आपको काम करने का मन नहीं है, दुनिया में ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है, हर कोई लॉटरी जो है विनर बनना चाहता है, रातों रात वो करोड़पति बन जाए, और यही माइंडसेट हमारे कंट्री को भी जो है ऐसे जो है पंगू करता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है, ऐसे में ये वीडियो आ जाते हैं जो कि और इस तरह के मिथ को जो है प्रमोट करते हैं कि अगर आपका इस पर्टिकुलर टाइप का फूड शेप है तो आप कम मेहनत करके और बहुत सक्सेस पा सकते हैं। वाह जी वाह वाह वाह। सामने वाला ये कई बार वीडियो में रिपीट कर चुका है कि हो सकता है आपको अभी फील ना हो रहा हो लेकिन आप सक्सेसफुल हो, आपको एक दिन पता चल जाएगा। मतलब सामने वाले ने एक तरह से काफी डिसेंट मेहनत की है आपको ये कन्विंस करने में कि भैया आप खास हो, और फिर उसके बाद में ये भी बोला है, और अगर आप अभी अपने आप को सक्सेसफुल फील नहीं कर पा रहे हो तो बस कुछ दिन रुक जाओ, आपको कभी ना कभी ये फील होने लगेगा कि आप खास हो, आप औरों से अलग हो। एक एक्सपेरिमेंट में ये फैक्ट्स पता चली थी। अब आपको एक साइकोलॉजिकल एक फैक्ट बताऊं, एक मजेदार बात बताऊं कि अगर आप अपने आप को ऐसा फील करने लगोगे ना कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप जो है इंटेलिजेंट फील करने लगोगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो और अगर आप अपने आप को बहुत डम फील करने लगोगे, कहने लगोगे कि यार मैंने तो किया ही क्या है, मैं क्या ही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ऐसे ही फील करने लगोगे, तो इसमें उस ट्रेड का कुछ में कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल थिंग। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल ट्रेड पे, नंबर 1, फिंगर अलाइनमेंट। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप के फिंगर अलाइनमेंट बताए हैं, और उसमें से फिर क्या बताया गया है, और अगर आपका केस 3 है मतलब दोनों फिंगर सेम है तो यार कॉन्ग्रेट्स, आप एक खास इंसान हो, आप रियली में एक जीनियस हो, और आपकी दिमाग की शक्ति क्या है वो आप सोच भी नहीं सकते।
मतलब फिर तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि फिंगर का और सर का क्या कनेक्शन है आपस में, उसका इंटेलिजेंस से क्या कनेक्शन है। एंड द लास्ट लाइन जिससे मैं भी बहुत अग्री करता हूँ और इसके अंदर जो है सिंसियरली आई रेस्पेक्ट फॉर दीज लाइन्स। आपके अंदर इतनी शक्ति है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। आप मोस्ट लकीस्ट इंसानों में से एक हो। अगर आप बस अपने अंदर यकीन करोगे ना तो आप जिंदगी में कुछ भी पा लोगे। तो ये था उस पूरे वीडियो के बारे में और 36 मिलियन व्यूज आज की तारीख में ये बताता है कि ऑलमोस्ट सब लोगों ने या बहुत सारे लोगों ने इसे देख रखा है और बहुत सारे पता नहीं कितने लोगों के दिमाग के अंदर यही सारे बातें उन्होंने जो है सामने वाले ने रोटेट कर दी है। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो लोग लिख रहे हैं कि मेरे पास 2 ट्रेट है 3 ट्रेट है 4 ट्रेट है, मैं लकी, मैं इतना अच्छा, मैं उतना अच्छा। मतलब अब आपकी क्या ये हालत आ गई कि आपको एक वीडियो जो है वो मोटिवेट करेगा, वीडियो जो है आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आप लकी हैं या स्पेशल हैं या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैं जनरल ऑडियंस के हिसाब से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप स्पेशल हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी बॉडी साइन की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। एंड दूसरा केस लेके चलते हैं कि अगर आप स्पेशल नहीं भी हैं, अगर आप ऑर्डिनरी भी हैं, तब भी इसमें किसी भी तरह से बुरा मानने वाली या कुछ लो फील करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली भी ऑर्डिनरी हो सकते हैं। मतलब क्या बोल दिया मैंने, वाह। जो क्रिएटर है, जो कि फैक्टेक्स है जिसने ये बनाया है और जिसको बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिया है, मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ कि ब्रो आपके पास में जो है बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी ऑडियंस है, तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलो तो बहुत अच्छा होगा। आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी है, आपकी बात करने का बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही अगर आप प्रॉपर रिसर्च के साथ बोल सको तो इट वुड बी रियली ग्रेट, क्योंकि आपको मिलियंस में देखने वाले हैं। और इनफैक्ट मेरे को तो 35-36 लोग भी देखे हैं, तब भी मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाता हूँ कि भाई 36 लोग भी देख लें, लेकिन वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो भाई आपको तो 36 मिलियन और पता नहीं कितने मिलियन में व्यूज़ हैं, तो आपको तो सच में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में बोलने की ज़रूरत है। तो ये था मेरी तरफ से पहला रिव्यू, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।